हम तो उड़ गए उड़ गए। ये जो होती है ना केक स्कूटी आपको दिखाता ठीक है बिना किको वाली स्कूटी देखो बढ़िया स्कूटी है ना यहाँ से टूटता है ये यहाँ से हम तो हैं समय हम तो गाइस अभी यही चल रहा है बहुत टाइम लग रहा है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो होती है ना केक स्कूटी की याद लगी होती है यहाँ पे ये टूट गई मेरी और ये रस्सी ली अभी वो वादी भाई आ रहे हैं उसकी स्कूटी के साथ बांध देंगे इधर तक तो न्यूट्रल चल जाएगी ना नीचे से उनके साथ बांध देंगे और इसको खींचेंगे फिर मेरी स्कूटी की बैटरी भी डेड ही है एक हिसाब से डेड रखो क्या बताऊँ क्या हुआ था डेड ही समझो तो मिलते आदि भाई के पास स्कूटी बांधते फिर लेके जाते फिर कंडीशन नहीं होती उसकी। तो गाइस अभी हम हैं डल लेक में लोकेशन है और हम यहाँ इसको पार्क कर रहे हैं और कल सुबह इधर सीधे इसको ले जाएंगे सीधे एजेंसी। वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। तो अभी हम हैं स्कूटी के पास और फिर देखेंगे आपको दिखाता ठीक है बिना किको वाली स्कूटी देखो दिखती नहीं है इसमें बढ़िया स्कूटी है ना तो लेकर चलते इसको तो मेरे पास हेलमेट अभी मेरा इसको लेकर चलते अभी बनाने तो नीचे मिलते हैं हम पहुँचने वाले हैं धर्मशाला। तो अभी मैं काला पुल वाले रोड में उसको काला पुल वाला रोड बोलते हैं देखते हैं नीचे अब क्या क्या होता है वैसे मेरे को जल्दी लगी है क्योंकि न्यूट्रल चला हूँ मैं पूरा ऊपर से चल देख न्यूट्रल आया हूँ मैं नीचे जाके देखते हैं अब क्या बनता है वो अभी इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा बज रही है धूप को ये धूप है नहीं इसको धूप समझो मत ये छलावा है हर की धूप है ठंडा बहुत ज़्यादा सब ठंडा धर्मशाला थोड़ा दूर बचा और मतलब इसकी बैटरी भी डेड है चल में स्टार्ट कर देता ऊपर साइड का मौसम ठीक नहीं होता ना तो उसके कारण ये दर्द का जो मौसम होता है ना इसी वजह से ये बैटरी में प्रॉब्लम आती है और बैटरी भी अच्छी कंपनी की लेनी चाहिए हमको वैसे मेरी मेरे को तो लगता नहीं मेरी बैटरी अच्छी कंपनी की है अभी इसको है गारंटी वारंटी वगैरह इस बैटरी वाले के पास भी जाता मैं तो जाता हूँ उनका नंबर भी देखता ना क्या होता है गाइस तब तक लाइक शेयर कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नीचे। गाइस मेरे को सबसे ठंडा इलाका ये लगता है देखो सबसे ठंडा धूप के टाइम भी भाई सब इतनी ठंड होती नहीं इस एरिया में क्या बताऊँ मैं पहुँच गया धर्मशाला बाईपास और आजकल यहाँ लग रहे हैं नाके चलान चलान वो गाइस चलान से याद आया मेरे को अपने लाइसेंस का काम भी है थोड़ा सा मैं पहले लाइसेंस का काम भी ये इसको बनाऊंगा फिर अपना लाइसेंस का काम करूंगा थोड़ा सा और फिर तुम्हारा भाई जाएगा आगे का प्लान कुछ नहीं बता देखते हैं कहाँ पे जाऊंगा मैं लाइसेंस मिलते हैं यार नीचे मेरी रस्ती मन नहीं है लोग बनाने का पता है तो तुम्हारे लिए देखते हैं क्या बनता है ला 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 ला। भाई साहब कते गंदी वाली ठंड है गाइस यहाँ पे बना रहा हूँ मैं स्कूटी अपने तो भैया चेक कर रहे हैं देखते हैं कितना की लगता है वैसे इस सॉकेट डलेगी इसमें ना थोड़ी सी बाकी देखते हैं क्या क्या खर्चा आता है इसका बस नॉर्मल ही है तो इसको खोलने के बाद चेक करते हैं ना फिर देखते हैं क्या क्या मटेरियल मिलता है तोड़ गए जब तुम थके जब से तुम नजर में आ रुके हम तो हो गए जमाने हमारी स्कूटी का मेन हिस्सा ये यहाँ से टूटता है ये यहाँ से भैया बोल रहे हैं 450 तक का हो जाएगा बोलो बाकी देखते हैं आगे
इसको खोद रहे हैं, खोलने के बाद देखते हैं क्या क्या करते हैं इसमें। हम तो हैं समय, हम तो हैं जमीन, हमसे ना कभी। हम तो हैं समय, हम तो हैं जमीन, हमसे ना कभी। किक मारते तो ये पूरा घूमता है, पूरा ऐसे घूमता, फिर तब जाके इंजन स्टार्ट होता है। गाइस अभी मैं इसके पास तो लगा रहा हूँ पेट्रोल के साथ, तो ये पूरे काले हो चुके हैं ऐसे। यही चल रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, नींद आ रही है। फाइनली गाइस स्कूटी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और मैं पहुंचा मैक्सिमस पेट्रोल पंप के पास। बहुत थक गया हूँ गाइस, आज पूरा दिन भर ऐसे थकावट से गया। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ब्लॉग को। मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मेरी आँख में कुछ चला गया, मैं पेट्रोल डलवा लेता गाइस। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके गाइस, बाय बाय।